चेयरमैन मैं हूँ तय ताहर, और ये मेरा इशू का वाइस चेयरमैन हाथ आगो है। तो ये आज सेकेंड पेज रैली हम लोग क्यों कर रहे हैं बोलने से, आप लोग मीडिया का माध्यम से गवर्नमेंट को हम ये संदेश देना चाहता है कि गवर्नमेंट जो है बीजेपी गवर्नमेंट को सब माना जाता है, मोदी का गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट को सब माना जाता है, करप्शन जीरो टॉलरेंस वाला गवर्नमेंट है। लेकिन हमारा अरुणाचल में जीरो टॉलरेंस वाला वो नियम नीति नहीं चल रहा है, करप्शन है बोल के डिपार्टमेंट पहले बोल चुका है, सौरंग युमी को डिप्राइव किया गया है बोल के डिपार्टमेंट खुद एडमिट किया है। लेकिन इसको लेके हम लोग ज्वाइंट मेमोरेंडम भी दिया, इसके बाद में सेपरेट मेमोरेंडम भी दिया, फैमिली का तरफ से भी दिया, और फैमिली का तरफ से एफ आर भी लूज किया। इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट करके इसका एफ आर का ये को साथ में हम लोग देखे, इसमें भी हम लोग ने मेमोरेंडम अप्रोच किया। लेकिन टिल डेट आज तक ये जो एस आई सी में इसको केस रजिस्टर नहीं हुआ है। चीफ सेक्रेटरी से जाता है चीफ विजिलेंस, विजिलेंस से सेक्रेटरी, ऐसे गुलमुल सेक्रेटरी अंदर में पायल जो घूम रहा है। जो हमारा मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स उस दिन दो बार स्टेटमेंट दिया है, दैट इज वेरी फॉल्स, उसको हम फॉल्स मानता है। जबकि हम लोग को मिला ही नहीं, दो तीन बार मिला ही नहीं है, फैमिली को दो तीन बार मिला ही नहीं है, तो ये कहाँ से जस्टिस दिया बोल के बात, माने ये फॉल्स पब्लिक को ऊपर में ये बात कर रहा है, ये गलत है, सरासर गलत है। और ऊपर से कहीं दूर दूर से भी वहाँ में एस आई सी लेवल एसपी का लेवल तक अभी तक फाइल जो नहीं पहुँचा है, सेक्रेटरी अंदर में गोल मोल घूम रहा है। उसमें चीफ मिनिस्टर को उस दिन हम लोग मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर मांगा, चीफ मिनिस्टर जो लिखता है मिनिस्टर को मिलो, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो मिलने के लिए बात करता है तो हेन तेन कहीं दूर में क्या है ये है, इसका बात में वो पायल को हम लोग पीछे करता है तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर का तिबोल में है, चीफ मिनिस्टर में है, जबकि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से फिर वापस आता है, ये क्या नियम है? अरे ये चीफ मिनिस्टर चीफ पेमा कंदू निहाय देना है हम लोग को, ये अप्रूव करना है। यो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स वो तो प्रेसिडेंट ऑफ द स्पोर्ट्स का भी है या स्पोर्ट्स का एसोसिएशन का, फिर वो अपना आपको कैसे हमको मारो बोल के वो कैसे केस अप्रूव करेगा? इसको ये केस को अप्रूव करना है तो हमारा यंग एंड एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ही ये केस को एस आई सी में अप्रूव करा दे सकता है। और आप लोग का माध्यम से हम ये रिक्वेस्ट करता है कि हमारा सीएम साहब हम लोग का ये मीडिया फोकस ब्रीफिंग करने वाला को सुनेगा, और जिससे भी करके सौरंग युमी का इशू में और करप्शन किया है, करप्शन ऑलरेडी कर चुका है, इसलिए तो उन लोग आज तक सर झुक के भाई डिपार्टमेंट कर तरफ से आज तक आप लोग देखा है कोई भी प्रेस स्टेटमेंट आप लोग का सामने दिया है, और आप लोग भी क्यों नहीं पूछता है मीडिया लोग? ये डायरेक्टर बहुत दो डायरेक्टर है, इसको जाके मीडिया लोग पूछना है आपका अगेंस्ट में ये बात कर रहा है, हाँ तो आप इसको एक्सप्लेनेशन दो, मीडिया लोग आज तक पूछ रहा नहीं है। आप लोग को भी हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दो डायरेक्टर को जाके सीधा क्वेश्चन कीजिए ये क्या है क्या नहीं है, थ्रू पे को डिपार्टमेंट को भी पूछिए ना, तो ये आप लोग को हम मेरा निवेदन है, आप लोग पूछिए डिपार्टमेंट को भी, करप्शन का पेक को भी आप लोग रूट को भी निकलाए, हम लोग मालूम है, इसलिए हम लोग जो है पेमा खांडू को फिर से ये केस को नीचे में मिनिस्टर लेवल में घूमने मत दीजिए, आप सीधा उसको लेके एस आई सी अप्रूव कराइए, वो आपका अथॉरिटी है। जब कंसर्न मिनिस्टर डिपार्टमेंट का होता है वो कभी ये नहीं चाहेगा मेरा डिपार्टमेंट खराब हो, और वो खुद भी ये प्रेसिडेंट है या का स्पोर्ट्स का, तो वो कैसे चाहेगा कि अपना आपको पैर हाथ का तो बोल के, ये नहीं चाहेगा ना, तो इसीलिए वो तो बचा रहा है डिपार्टमेंट को, जो करप्शन करने वाला को बचा रहा है। ये इसका मतलब जो है मोदी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट जो जीरो टॉलरेंस वाला गवर्नमेंट जो है, करप्शन जीरो टॉलरेंस वाला गवर्नमेंट जो है, इसका देखा सिर्फ मुँह से बात कर रहा है, एक्शन फोरम में नहीं है, इसको एक्शन फोरम में लाना है। ये हम लोग का एंटी करप्शन फाउंडेशन का तरफ से है, और आज एंटी करप्शन फाउंडेशन ही नहीं, या मैं एंटी करप्शन का सेना का अरुणाचल का टीम भी है, तागिन स्टूडेंट कम्युनिटी स्टूडेंट यूनियन भी है, और सब बहुत सारा अनकंटलेस ये ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को साथ दे रहा है, आप लोग बिनार को देखने से मालूम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग का ये मानना है कि करप्शन ऑलरेडी हो गया है, मुरान वर्ष प्रेफरेंस है, सेकेंड जो नेशनल, थर्ड जो या स्टेट वेद, तो जो पहले नौकरी मिला था वो लोग तो इंटरनेशनल का एक भी मेडल नहीं है इसको दिया गया, इसका मतलब वो करप्शन है कि नहीं है, आप लोग देख लो न्यूज़पेपर भी हम लोग का साथ में है, वो लेके आप लोग
ये को डिपार्टमेंट को पूछने चाहिए आप लोग को मीडिया का माध्यम से ना, इसीलिए तो आपका माध्यम से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हम मेरा ये छोटा सा आप लोग से रिक्वेस्ट था कि आप लोग भी इसको थोड़ा पूछिए ना, और SIC में केस जो अप्रूव नहीं कर रहा है तो इसका क्या वजह है? आज बराबर ऑर्गेनाइजेशन क्यों यहाँ में नहीं आ रहा है? जैसे कि आपसू हो गया, आंसू हो गया, और यहाँ का अन्या हो गया, नेस हो गया, और यहाँ का कम्युनिटी का गालो का हो गया, जो भी वो लोग क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज वो उसको बचाना चाह रहा है, हाँ ऑफिसर को बचाना चाह रहा है, इसलिए ये लोग को, ये लोग भी आज आना चाहिए था यहाँ में ना। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट है जितना वेल हुए सर, आप लोग भी देख के साथ देना है। जो सच को हम सुना था, सच को बहुत कम लोग साथ देता है। आज हम यहाँ में देखा है सच को बहुत कम लोग साथ दे रहा है, लेकिन भी ये काफ़ी है हम लोग का पब्लिक ना। मैं ब्रीफ में बताना चाहता है, यहाँ में दो एफआईआर लॉन्च करते हैं यूनिसोलम जो, एक जो है स्पोर्ट डायरेक्टर के अगेंस्ट में। वो स्पोर्ट डायरेक्टर अगेंस्ट में क्यों किया गया बोले से, पासीघाट के लिए एक आर्चर के लिए, आर्चरी के लिए एक कोच जो एडवर्टाइज किया गया था, और साथ में दूसरा कुछ पोस्ट भी था। तो इसमें जब हो, क्योंकि ये बहन जो है ये आर्चरी है, आर्चरी जो है एक पर्सनल एक व्यक्तिगत स्पोर्ट है, इसको अपना पढ़ाई को अपना करियर को दूसरा को छोड़ के यहाँ में वो डिवोटेड करके, डिटरमाइन करके, डेडिकेट करके वो इंटरनेशनल लेवल में जाके दो मेडल लेके आता है, और नेशनल में 20 मेडल मिलते हैं, और नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करके इसमें भी मेडल लेते हैं। तो इसके पास बहुत सा जो कैपेबल है, बहुत इसने अर्न किया गया है ये फील्ड में, क्योंकि जैसे हम बोला फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, जैसे क्रिकेट होगा, वो लोग एक दूसरे का कंट्रीब्यूशन चाहिए खेल को जीतने के लिए, लेकिन एक तीर मारना वो अकेला का काम होता है। तो ऐसे करके वो जब पासीघाट में हो, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट डिपार्टमेंट जब जॉब एडवर्टाइज किया गया है, वहाँ जाके वो जॉब को पार्टिसिपेट करता है वॉक इन इंटरव्यू में, और इसमें इसका फर्स्ट प्रेफरेंस में उन लोग का जो एडवर्टाइज का जो देखा गया है। तो जिसका पास इंटरनेशनल मेडल है, जो पास चैंपियन है जो स्पोर्ट में, जो नेशनल में, नेशनल गेम में जो पार्टिसिपेट किया गया है, और इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। एक्चुअली दूसरा लोगों को यहाँ पर तो फॉरम सबमिशन में वॉक इन इंटरव्यू में देना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं था उन लोग जो दो कैंडिडेट्स, लेकिन इसको अकेले यहाँ पर जो हमको मिल जाता है, लेकिन यहाँ में वो डिप्राइव हो गया। यहाँ पर वो सर्विस जो इंटरव्यू पेश करने के बाद सी डिजन के देते पार्टिकुलर जॉब, सो देयर आफ्टर वाट सी अगेन सी अपीयर द, और एक एडवर्टाइज निकला है कि इस जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, इसमें जब वो निकला है तो इसमें भी सेम फील्ड में जहाँ में वो प्रोफेशनल है जो आर्चरी है, वो आर्चर होके इसमें भी वो कोच के लिए एडवर्टाइज होता है यहाँ में, तो सेम मतलब चीज़ में फिर जाके यहाँ में भी वो पार्टिसिपेट करता है इस चीज़ को। एक तो उसने सोच लिया कि पासीघाट में नहीं हुआ डायरेक्ट तरफ स्पोर्ट के अंदर पर, फिर इसने सोचा कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में फिर एक ही जॉब को एडवर्टाइज किया गया तो यहीं में भी पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ में क्या होता है, एडवर्टाइज में कोच बोल के एडवर्टाइज करता है, लेकिन जब किया है तो कोच को इंस्ट्रक्टर में बदल दिया है। इसलिए मैं जो, क्योंकि इसमें जब नौकरी दिया गया है जिसको मिला गया है वो अंडर ग्रेजुएट है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो इसको भी मैंने मीडिया में सुना था कि मैंने डिग्री हासिल किया गया, तो डिग्री हासिल नहीं किया द टाइम ऑफ इंटरव्यू में आपने, तो इसका बाद यहाँ में जब स्किल टेस्ट में क्या होता है, यहाँ में क्रॉसिंग का जो मार्क का एक दूसरे का सिग्नेचर करता है, चेक करता है, क्रॉस चेक करके इसके बाद देयर आफ्टर साइन करता है, तो वो जो मार्क जो गाय मार्कशीट जो गाय पे स्किल टेस्ट का, लेकिन इसमें एक स्वीरिंग करके एफिडेविट का द्वारा से और कोच ने एक जो एक मार्क यही मार्क है बोल के बोल, लेकिन इसका वो जो गाइप है, सो इसको भी लेके जो सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट भी तो इसमें शोकॉज नोटिस दिया गया है दोनों डायरेक्टर को, तो ऐसे होके हुआ है, तो इसलिए दो एफआईआर को अभी तक रजिस्टर नहीं किया। तो इसलिए ये सो शायद बहन शायद ऐसे सोचा, अरे हम तो पासीघाट में भी डायरेक्टर स्पोर्ट में भी हम पेश किया इंटरव्यू को, यहाँ में भी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल में भी हमने पेश किया, अरे दो दो जगह में तो मैं तो इसके लिए लायक हूँ ये जॉब के लिए, मतलब कैपेबल टू बिकम ए कोच, क्योंकि इसके पास
वो आचार्य के लिए तो वो कोच बनने के लिए लायक है। जब साइंस टीचर को आप हिंदी पूरा बोलने से तो नहीं होगा ना, जिसमें प्रोफेशनल है इसमें देना चाहिए ना। एक को ये को एग्जांपल क्रिकेट जो फुटबॉल खेलने वाला लोगों को आर्चर में कोच बनने वाले से नहीं होगा, तो इसके लिए वो प्रोफेशनल में इसके लिए फिट था। बोलते यहाँ में भी डिप्राइव हुआ देर अफ्तर, तो वो तो सोचेगा, हम भी सोचेगा, हम इतना मेहनत इतना साल का बाद हमने ये प्रोफेशनल में हमने आर्चरी में हमने मेडल लेके स्टेट को हम वो प्रेजेंट किया गया। फिर जो रजिस्टर होना है और SIC का द्वारा से इन्वेस्टिगेशन चलना है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चलना है और कुछ इसमें गलत पाया गया तो कैसे रजिस्टर करना है और रेगुलर केस बनाना है और जो भी इन्वॉल्व थे जिसको सजा मिलना चाहिए जो करप्शन एक्ट में है, जो हमारा जो इंडिया पेनल कोड जो लॉ बना के रखा है इसके द्वारा से होना है। यह में कोई इस तरीका से अगर स्पोर्ट डिपार्टमेंट में करप्शन चलेगा तो आने वाला समय में तो मुश्किल होगा। तो ये यूमी सोरंग जो इसका जो कहना है कि हम तो डिप्राइव हो गया, आने वाला जो स्पोर्ट पर्सन जो आने वाला है अपकमिंग जो जनरेशन है जो अभी तैयार कर रहे हैं, मतलब उन लोग के पास ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जिसके पास कैपेबल है जो चीज़ है इसको मिलना चाहिए, वही वो करना चाहता है। इसलिए गवर्नमेंट जो एक तो इसको नौकरी को ऑफर करके फिर अपना आपको गलत बोल रहा है कि हमने गलत कर चुका है, इसे रिवोल्यूशन कर रहे हैं। आप गलत नहीं किया था तो क्यों रिवोल्यूशन करना चाहें? यू मस्ट स्टिन, मेरा इधर था सही था, जिसको नौकरी मिला वो सही था, वो क्या अब वन स्टिन में रहना चाहिए आज तक। आप रिवोल्यूशन करके तो आप ये इसको मतलब ये इशू को आप बंद करना चाहते हैं। स्पोर्ट मिनिस्टर से हमारा ये रिक्वेस्ट था कि यही रिक्वेस्ट था ऑनरेबल मिनिस्टर को, यही रिक्वेस्ट था कि SIC को केस को रजिस्टर करा दो। इसमें अगर क्लीन चिट मिलता है डिपार्टमेंट लेट इट बी नो प्रॉब्लम, क्लीन चिट नहीं मिलता है तो इसका द्वारा से भी काम चलना चाहिए। ये सिर्फ एक ही पॉइंट था, यही सिर्फ मांगता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।